मैं सनम लाडला क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। लोग कहते हैं भगवान केवल अच्छे लोग बनाते थे, कुछ अच्छे लोग जो अपने बुरे कर्मों, लोभ, लालच और वासना के कारण बुरे बन गए। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, लोगों में इंसानियत कम और हैवानियत ज्यादा दिखने लगा है। आज हैवान लोगों को पहचानना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है, बस हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। आज की कहानी भी एक ऐसी हैवान महिला की है जो अपने स्वार्थ के कारण कब हैवान में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। क्या कर सकते हैं बोलो जी। मैं चलो जाने दो। तुझे मेरा रिश्ता निभाना है तो तू चली जाना। अरे वो इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर देख मुझे काट के उसने क्या कर दिया है। अरे मैं अगर उसके घर पे और कुतिन रही ना वो मार डालेगा मुझे। मेम साहब, मैं यहाँ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना जमीन बेच रखा है। और वो बुड्ढा बोलता है कि मुझसे पैसे ले लो, मेरे साथ सो जाओ। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बीबी घर के बाहर गई नहीं, साले कुत्ते की तरह मुंह नोचने लगते हैं। तो दूसरे जगह काम ढूंढ लेना। मेम साहब, वो मेरा बाप एडमिट है। मेम साहब, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मेरे बाप को कैंसर है मैम साहब। तू चाहे तो तेरा मदद मैं कर सकती हूँ, तेरा बाप का खर्चा मैं चला सकती हूँ। लेकिन आपको इसमें क्या फायदा है मैम साहब? मेरा क्या फायदा होगा? मेरे पास ऊपर वाले से दया से सब कुछ है। दो दो बंगलो है, फार्म हाउस है, पैसा है। तो
तो आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं मैम साहब? बस तू मेरा भाई से शादी कर ले। इस पागल से? मेरा भाई पागल नहीं है। लेकिन मैम साहब अलग है। लेकिन मैम साहब ये आप क्या कह रही हैं? देख सोच ले, तू मेरा भाई को संभाल और मैं तेरा बाप का खर्चा संभाल लेती हूँ। देख सोच ले। मैम साहब मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। सोच ले। हाँ बोल, बैठ। आपने जो कहा था। मैंने बोला था? क्या बोला था? हाँ मैं दिन में तो बहुत कुछ कहती हूँ, मुझे तो याद नहीं है। तू बता मैं क्या कहा था। मीम साहब आपने अपने भाई की शादी मेरे साथ कराने की। हाँ तू मेरे भाई के साथ शादी करेगी? अरे तूने तो मुझे बहुत खुश कर दिया, आज तो मुझे ना नाचने का मन हो रहा है। लेकिन मैम साहब। हाँ मुझे पता है, तेरा पापा का इलाज मैं कराऊंगी और साथ में कुछ पैसा भी तुझे दूंगी। बस को लालच देना बहुत आसान होता है। इसका उदाहरण आपको आसपास यहां वहां देखने को मिल ही जाएंगे। जब लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है तो लोग उस ऐप को छिपाने के लिए उस पैसे का उपयोग करता है। लेकिन पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला ये भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या इस रिश्ते को आगे ढोया जा सकता है। जैसा कि बिंदिया के साथ हुआ, शादी की पहली ही रात बिंदिया को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।
यू आर अंडर अरेस्ट अरुंधति जी, चार लड़कियों के कत्ल के और हरेसमेंट के जुर्म में अंडर अरेस्ट। बिंदिया का क्या कसूर था? उसने जो भी किया अपने बीमार बाप के लिए किया, क्योंकि उसके पास अपने पिता की बीमारी के लिए पैसा नहीं था। उसने उस पागल से शादी करना मंजूर किया और अपने लिए मौत, वो भी टुकड़ों में। वैसे भी कहा जाता है शादी करने से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में पता करना चाहिए था, लेकिन उस बेचारी के लिए इतनी मेहनत कौन करता? बिंदिया की आंखों के सामने पैसे का पर्दा डालकर उस लड़के के खामियों को छिपाया गया। ये दुनिया साइकी लोगों से भरी पड़ी है, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से खुद को और अपने लोगों को बचाना होगा। तो आइए आपसे फिर से मिलते हैं क्राइम की दुनिया में एक नया एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।